गरियाबंद जिले में पिछले 2 दिनों से बारिश के चलते किसान को काफी परेशानी हुई है। वहीं धान खरीदी केंद्रों में पड़े धान की स्थिति भी बदतर होती चली जा रही है। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से लगातार बारिश के चलते जिन किसानों ने धान को काट लिया है उनके लिए यह बारिश मुसीबत का सबब बन गई है, जिसके चलते गरियाबंद जिले के लगभग 85 धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी बंद कर दी गई है। वहीं खरीदी केंद्रों में पर्याप्त त्रिपाल की व्यवस्था न होने के चलते निचले स्तर पर धान की उपज भीगती जा रही है। वहीं उपज भीगने के बाद जहां धान की गुणवत्ता समय के अनुरूप खत्म हो जाएगी, इसी क्रम में अधिकारियों का कहना है कि इसके नुकसान की भरपाई धान खरीदी करने वालों से की जाएगी। हालांकि गलती हुई, नीचे स्तर से लेट है तो ऊपर स्तर से ढका हुआ है और पूरा पिकअप कर दिया है। और जो धान खराब होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी है? धान खराब हो गया उसके समिति प्रबंधन से भरपाई करवाएंगे। आखिर में समिति का नुकसान तो होगा ना? नहीं, समिति नुकसान नहीं होगी और संबंधित कर्मचारी की जवाबदेही तय करके उससे भरपाई कराई जाएगी। 10,06,732 क्विंटल 80 किलो खरीद किया गया है और उसमें से 61,662.80 किलो का क्विंटल का परिवहन हो चुका है और शेष धान अभी किसी 3,96,070 क्विंटल शेष है। कितना भुगतान होता है? इसमें लगभग 209 करोड़ 90 लाख रुपए का लगभग भुगतान हो चुका है।